हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, हम लोग, मैं और दीदी अभी थोड़े घूमने आए हुए थे यहाँ शेयर आगे, करने सैर शाम करने। की सैर। हाँ, तो हमें नहीं पता कि इतनी ठंड हो जाएगी। मतलब बिल्कुल मौसम इतना ठंडा हो गया ना, ऐसा लग रहा है बस अभी बर्फ़ पड़ने वाली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मैंने तो पूरा सर कवर कर दिया हुआ है। दीदी को सर्दी नहीं लगती है ना दीदी? मैंने बड़े गर्म कपड़े डाले हैं। गर्म तो मैंने भी डाला है, लेकिन तब भी मुझे ठंड लग रही है। ठंडा इनको ठंड लगती इनको है आदत थोड़ी हो ना, गई हमें है, आदत है ना। ये बनी वाली ठंड में रहने वाले हैं, हाँ लोग हैं हम बेचारे। मतलब उतनी हमें वहाँ ठंड नहीं होती, तो यहाँ तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो अभी हम आए थे यहाँ आगे, तो हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, थोड़ा बहुत गपशप मारी, और अब हम जा रहे हैं वापस। तो घर में आज बनाएंगे कुछ चिकन वगैरह, तो अभी लेट हो गए हैं। चावल में चढ़ा के आई थी, तो मुझे दिख रही है कि लाइट तो चली गई है, तो मुझे लग रहा है वो बने नहीं है। तो फिर मुझे अब गैस पे ही डालने पड़ेंगे शायद। अभी हम जाते हैं, और और मैंने मम्मी को भेजा हुआ था, मम्मी बोलते हैं मैं लेके आऊँगी सरसों, तो वो गए थे खेत में सरसों लाने। तो ठंडी बड़ी ज़्यादा हो गई यार। और दीदी आप सुनाओ। क्या सुनाना यार, ठंड हो गई है, बारिश हो जाएगी फिर से बर्फ पड़ और जाएगी। आपके वहाँ फिर से हमें तो बर्फ वही पड़ी टेंशन इनके है, वहाँ हमें तो वही फिर से बर्फ़ टेंशन है। पड़ जाएगी, तो ये और नहीं फिर तो से वही हालत। मतलब हम चले जाएं, उसके बाद बेलाशक बारिश हो, लेकिन हाँ, आप हम चले चले जाएं। जाएं हमने नहीं जाना अभी, मतलब हमने आप बनी नहीं चल रहना। जाओगे ना थोड़ी देर में, कल बड़ी परसों बड़ी ठंड होती है, बड़ी बर्फ तक पड़ती है। वहाँ भी तो बर्फ़ पड़ती। सही बात है, उतने हाँ यहाँ नहीं पड़ती, बनी में पड़ जाती है ना। हाँ इतनी पड़ती इस बार पड़ी बनी थी बनी में बर्फ़, पड़ी है, थोड़ी थोड़ी हाँ पतली यहाँ नहीं पड़ी थी पड़ती। बस। हाँ तो अभी तो वो देखिए पार कितना सुंदर यार। ये ऐसी जगह है ना जहाँ से, मतलब इतने सामने है ना ये सब जगह, दिखता, जहाँ सारी से पहाड़ियाँ, चारों पूरी पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको, मतलब साइड की पहाड़ियाँ चारों दिखेंगी, साइड दिखेगा आपको इधर पहाड़। भी पहाड़ दिखेगी, ये देखिए, मतलब सारी। पूरी साइड पहाड़ पहाड़ पहाड़, ये बैक साइड वाले सारे पहाड़, मतलब बादल वाली पहाड़ी है हाँ साइड। सब पहाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ से। हाँ तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर धूप में आ जाए ना यहाँ पे सर्दियों में, तो फिर बहुत मज़ा आता है। परसों से मैं और ये आए हुए थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें, लेकिन अभी हम लेट ही आए घर से, तो अभी मतलब इतनी सर्दी सी हो गई है कि अब हम सोच रहे हैं कि हम घर चल जाएं अब जल्दी जल्दी, है ना हाँ भैया? बोलते पंचू को भी लेके जाना, तो बच्चों को अब वो भेजेंगे, भी जाना खुद उसको ही आ लाएंगे, जाए। ऊपर से लाते हैं। अच्छा तो चलो चलते हैं फिर। अभी चलते चलते हम पहुंच गए मंदिर, हमने सोचा कि मंदिर होके जाते हैं घर। तो बस हम ये देखिए मंदिर पहुंच चुके हैं। तो यार चढ़ाई चढ़ाई होती है, थोड़ी सी भी चढ़ाई होती है ना, चढ़ी नहीं जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम पहुंचे हैं मंदिर के पास, और ये देखिए दीदी नीचे नीचे फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, वीडियो कॉल। और अभी हम चलते हैं मंदिर। तो यहाँ मंदिर अभी बंद है, ये देखिए मंदिर अभी बंद है। तो जय भोले बाबा, ये देखिए हमारे भोले बाबा की मूर्तियाँ यहाँ पे। तो अभी मंदिर से बाहर आ गई हूँ, और हम मंदिर की पिछली साइड चलते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है हमारे घर का। यहाँ देखिए कितना सुंदर लगते हैं, ये है हमारा गांव। मतलब ये जो भोले बाबा का मंदिर है ना, ये थोड़े हाइट पे है। और अभी बैठ के मैं आप सबसे बात करती हूँ यहाँ पे। हाँ तो ये देखिए अभी हम मंदिर के बैक साइड बैठे हैं, तो थोड़ी गपशप लगा रहे हैं। अभी और शाम का व्यू देखना कितना अच्छा आ रहा है। हाँ शाम को देखो कितना सही लग रहा है ना। हाँ और कल दीदी भी चले जाएंगे अपने ससुराल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा। फिर जब हम वापस आएंगे, फिर दीदी फिर से आएंगे ना, फिर आए। हाँ फिर बनी में फिर से बने, फिर बनी में हम घूमने जाएंगे। इस बार जब हम वापस आएंगे ना, वापस आएंगे तो फिर जाएंगे हम कहीं पक्का, जाएंगे हमने बनाया था आज भी मैंने। बड़ा प्लान बनाया था, हम हाँ जाएंगे लेकिन यार जब भी हम सोचते हैं ना कुछ कहीं तो जाने का, बंद ही हो जाता तो है। हमेशा बंद हो जाता है, हमेशा बंद हो हाँ जाता है। इस बार हमने सोचा था कि सर्दियों की छुट्टियों में हम जाएंगे साउथ गोल्डन वगैरह, टेम्पल है ना, जाएंगे, साउथ उधर वगैरह जाएंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, मैं जाएंगे, कुछ भले ही भी माता नहीं यार। जाएंगे,
कुछ भी नहीं बना। तो अब फिर से कोरोना आ गया, हमारा बैड लक की है ये। तो अब हम वापस आएंगे जो जम्मू से, तब हम जाएंगे ढग्गर वाली साइड, है ना। हाँ। ढग्गर वाली साइड बड़ी अच्छी है, उधर जाएंगे। हाँ, किसी टाइम उधर जाएंगे। सर्थल तो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से गर्मियों के टाइम तो हमारा रूट ही उधर से होता है। हाँ, तो हम ढग्गर जाएंगे। मैंने ढग्गर का बड़ा सुना है कि अच्छा है, वहाँ पे बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ जाएंगे इस बार। Okay. बहुत मज़ा आया दीदी के साथ यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। मतलब जब सब फैमिली होती है ना तो बहुत मज़ा आता है। अब बहुत लेट हो रहा है, तो लाइट तो आई नहीं, मेरे चावल बने नहीं, तो इससे चलते कि हम चलते हैं, क्योंकि शाम को पापा को बहुत जल्दी भूख लगती है, वो दिन को खाना नहीं खाते, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा अभी। तो अभी हम चलते हैं। ओके, यहाँ है नंदी, नंदी और इनके आगे मक्खियाँ क्यों डालते हैं दीदी, कि क्यों रखी है मक्खियाँ? जो वो करते पत्थर भरते हैं हमारे में ना। हाँ, सुबह सुबह चढ़ाते हैं शिव जी भगवान को। पत्थर पत्थर भर बोलते हैं हम, पत्थर भरना है शिव जी। तो सुबह सुबह कब? नई फसल का? नई फसल का हो ऐसे भी। हाँ, चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो वो चाहे इसको फिर जोगी होते हैं ना हमारे, बोले जाते हैं मक्खियाँ। अच्छा, जोगियों को देनी फिर वो, खुद नहीं रखनी? खुद भी रख लेते हैं जहाँ पे मक्खी इकट्ठी करी होती है ना। हाँ, जैसे ड्रम श्रम में। हाँ? उधर उसमें डालते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, ऐसे बोले जाते हैं, शास्त्र से डालते हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ रखी हुई है, बाकी उनको दे देते हैं। ओके ओके, ये दरवाज़ा बंद था दीदी, इसका दरवाज़ा बंद कर, इसका मैं बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, क्योंकि शाम है तो यहाँ कोई होता नहीं है। तो अभी मैं ये दरवाजे हैं, तो अब हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए गाइस, आज ये बना रहे हैं चिकन। बस तो गाइस, आज का व्लॉग था बस यहीं तक, और शाम हो गई है और हमने चिकन वगैरह बना दिया है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरे व्लॉग की आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन आती रहे। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।